हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हजार करोड़ का कर्ज नहीं चुका रहे अंबानी घोषित हुए डिफॉल्टर, एक्शन लेने की बजाय बचा रही है सरकार। देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए घोषित कर दिया गया है। कंपनी पर सार्वजनिक यानी सरकारी बैंकों का 9000 करोड़ का कर्ज है। एनपीए बैंकों का वो लोन होता है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। इस कर्ज में 90% से ज्यादा हिस्सा उद्योगपतियों का है। अक्सर उद्योगपति बैंक से कर्ज लेकर खुद को दिवालिया दिखा देते हैं और उनका लोन एनपीए में बदल जाता है। यही उस लोन के साथ होता है जिसे बिना चुकाए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विजय बैंक ने अनिल अंबानी समूह की अगुवाई वाली रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के ऋण खाते को मार्च तिमाही से एनपीए घोषित कर दिया है। पहले इस कंपनी का नाम पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग था। अनिल अंबानी ग्रुप ने 2016 में इसका अधिग्रहण किया था और इसे रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। कंपनी पर आईडीबीआई बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ का 9000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। इनमें से ज्यादातर सरकारी बैंक हैं। इसके बावजूद सरकार की तरफ कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इसके बदले सरकार अनिल अंबानी की कंपनियों को बड़े ठेके दे रही है। ये भी आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार कर्जे में दबे अनिल अंबानी की मदद कर रही है। भूमि सुधार का दावा करने वाली बीजेपी पूरी तरह नाकाम। देश को हुआ 3.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वो देश का हर क्षेत्र में विकास करेगी। इसलिए ही 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने गुड गवर्नेंस का नारा दिया। ये दावा किया गया कि सरकार गवर्नेंस को इतना बेहतर तरीके से चलाएगी कि देश में अव्यवस्थित कार्यों में हो रहे नुकसान लाभ में बदल जाएंगे। लेकिन अपने ही इस मापदंड पर सरकार खरी नहीं उतरी। मोदी सरकार भूमि सुधार पर ध्यान नहीं दे रही, इस कारण देश को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2014-15 में भारत ने भूमि उपयोग में गिरावट के कारण सालाना आर्थिक नुकसान 3.17 लाख करोड़ रुपए के बराबर हुआ, जो 2014-15 में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है। ये जानकारी हाल ही में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अध्ययन में सामने आई। दिल्ली स्थित वैचारिक संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TIRI द्वारा किए गए 2018 के अध्ययन के मुताबिक सरकार को भूमि सुधार की गति तेज करने की जरूरत है, क्योंकि भूमि शरण की लागत 2030 में भूमि सुधार की लागत से बाहर हो जाएगी। अध्ययन में कहा गया कि मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट बड़ी चिंता का विषय है। अध्ययन में आगे कहा गया है, ये गंभीर चिंता है, विशेष रूप से ये देखते हुए भारत 2030 में भूमि अवक्रमण तटस्थ होना है, जहां जमीन में गिरावट में कोई वृद्धि भूमि पुनर्वास में समान लाभ से संतुलित होती है। मोदी सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई, 4 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़कर 4.87 पहुंची रिटेल महंगाई। महंगाई के मोर्चे पर सरकार को फिर झटका लगा। अप्रैल की तरह मई में भी खुदरा महंगाई बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। मई में रिटेल महंगाई दर यानी CPI बढ़कर 4.87% पहुंच गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में 4.87% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले अप्रैल में इनमें 4.58% और मार्च में 4.28% की वृद्धि हुई थी। महीने दर महीने के आधार पर मई में ईंधन और बिजली का महंगाई दर 5.24% से बढ़कर 5.80% रह गई, जबकि इसी अवधि में हाउसिंग की महंगाई दर 8.50% से घटकर 8.40% हो गई।
महीने दर महीने आधार पर मई में अनाज की महंगाई दर 2.56% से बढ़कर 2.78% हो गई। महीने दर महीने आधार पर मई में सब्जियों की महंगाई दर मार्च के 7.29% से बढ़कर 8.04% रही है। सीएसओ के अनुसार मई में खुदरा महंगाई बढ़ने का मूल कारण फल और सब्जियों का महंगा होना रहा। इसके अलावा पिछले महीने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सेवाएं, आवास, कपड़े और फुटवेयर में भी 5% से ज्यादा की महंगाई देखी गई। यही नहीं, महंगाई के आंकड़े प्रतिकूल आधार प्रभाव का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक महंगाई काफी कम थी। इधर महंगाई के आंकड़े के 5% के नजदीक जाते ही माना जा रहा है कि आरबीआई और सरकार दोनों की चिंता बढ़ जाएगी। वैसे आरबीआई को इसका अनुमान पहले से था, तभी उसने पिछले हफ्ते ही महंगाई कम करने के इरादे से ब्याज दरों में 4/4% की वृद्धि कर दी थी। मुरली मनोहर जोशी का मोदी पर तंज, बोले राजनीति के इस बुरे दौर को देखकर प्रकृति ने अटल जी को चुप करा दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 11 जून की शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के एम्स में वाजपेयी का इलाज जारी है। एम्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन अभी इलाज चल रहा है और उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी वाजपेयी को देखने एम्स गए थे। बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि शायद प्रकृति ने उन्हें चुप इसलिए करा दिया क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर वो क्या कहते। अटल जी का अपनी बात कहने का अलग अंदाज था, वो बड़ी से बड़ी बात को बड़े सहज रूप से कहने की क्षमता रखते थे। मुरली मनोहर जोशी के इस बयान ने एक बार फिर बीजेपी के अंदर चल रहे कलह को उजागर किया। वैसे ये सवाल तो बहुत दिलचस्प है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए कवि अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते। बता दें कि गुजरात दंगों के बाद 4 अप्रैल 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल जी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म के पालन का संदेश दिया था। वाजपेयी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करे। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वाजपेयी ने इतना ही कहा कि मोदी उनकी तरफ मुड़े, नजरें मिलाने की कोशिश की और लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहिब। वाजपेयी ने मौके की नजाकत को समझा और कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई भी वही कर रहे हैं। बचे हुए रोजगारों को भी खत्म कर रही मोदी सरकार, इस साल 11,040 पदों को वापस लेगा रेलवे। मोदी सरकार घटते रोजगार के लिए आलोचना का सामना कर रही है। सरकार पर दबाव है कि जनता को वो नौकरियां दे, लेकिन इसके विपरीत सरकार नौकरियां खत्म करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले हर साल नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन उनकी सरकार नौकरियां देने के बजाय उन्हें तेजी से खत्म कर रही है। रेलवे बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 में रेलवे के विभिन्न जोनों में 11,000 से अधिक बेकार पदों को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस साल 11,040 पद लौटाए जाने योग्य पद के रूप में चिन्हित किए गए, जो या तो लंबे समय से खाली रहे या फिर प्रौद्योगिक उद्यन के चलते उनकी अब जरूरत नहीं रह गई। ऐसा तब हो रहा है जब रेलवे में कुछ हजार पदों के लिए बेरोजगारी से परेशान करोड़ों युवा आवेदन कर रहे हैं। हाल ही में रेलवे ने 90,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसके लिए 2.8 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। इसके बावजूद सरकार पहले से ज्यादा तेजी से नौकरियां खत्म करने में जुटी है। पिछले साल ऐसे पदों की संख्या करीब 10,000 थी, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 11,000 कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।